गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। नए वीडियो में आपका स्वागत। जैसे आपने टाइटल देख लिया है, आज इस वीडियो में हम शिमला से और जयपुर का सफ़र करने वाले हैं। और ये जो बस, एसी बस है, ये हमें दो पार्ट में लेके जाने वाली है, क्योंकि शिमला से दिल्ली तक एक बस जाने वाली है और उसके आगे दिल्ली से हमें चेंज करके दूसरी बस के द्वारा और जयपुर तक पहुंचाया जाएगा। इसी कंपनी की दोनों बसें हैं, तो इन्हीं का ये सेटिंग है। तो ये दिल्ली में 2 घंटे का लेआउट भी हमें बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी इसको एंजॉय करें। ये हमारी शिमला से जयपुर के लिए बस, जिसमें अभी हम सफ़र करने वाले हैं। शिमला से चलने के बाद ये हमारी बस बीच में कुरुक्षेत्र के पास एक ढाबे पे तकरीबन 3 बजे के करीब रुकती है और वहाँ पर आधा घंटा का ब्रेक लेकर के और फिर वहाँ से आगे बढ़ती है। तकरीबन 10:30 बजे शिमला से चलती है। तो बाकी रिकॉर्डिंग इसमें नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा था। तो जैसे ही दिन निकला है उसके बाद ही हमने रिकॉर्डिंग शुरू की है, लेकिन आगे ये जो ढाबे पे रुकी है 3 बजे करीब, वहाँ हमने आपको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके दिखाया है। और ये यहाँ पर अभी 3 बजे करीब रात में रुके हैं। ये कुरुक्षेत्र के पास में हाईवे के ऊपर है, तो यहाँ चाय वगैरह के लिए रुके हैं, थोड़ा ब्रेक लिया है और अभी यहाँ से आगे चलेंगे दिल्ली की तरफ। यहाँ पर हम तकरीबन दिल्ली के नज़दीक हैं और ये दिल्ली का जो हाईवे है, दिल्ली चंडीगढ़ वाला, उसी हाईवे पे तकरीबन दिल्ली के नज़दीक है, हरियाणा के अंदर ही है। और अभी दिल्ली में एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें तो हल्की बारिश भी हुई है, क्योंकि अभी बारिश का ही मौसम चल रहा है और हल्की हल्की बारिश आपको रोड पर दिख रही है। इस बस में सफ़र अच्छा हुआ। इसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि ये शिमला से दिल्ली के बीच में जो बस हमें लेके आ रही है, इसमें स्लीपिंग नहीं है, ये सीटिंग अरेंजमेंट है पूरा का पूरा, और उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सीट वैसे अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं और आराम से ये पीछे आप करके और लेट सकते हैं, और नीचे पैरों के लिए भी सपोर्टिंग सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन जो स्लीपर में होता है उतना कंफर्टेबल साइड हम फील नहीं कर पाए। तो अभी हम दिल्ली पहुंच गए हैं दोस्तों। शिमला से दिल्ली जो बस हमें लेके आई थी उसने यहाँ पर छोड़ दिया और ये इनका लॉन्च है, और अभी यहाँ मेरे को इस स्टॉप पे छोड़ा था और अभी इस लॉन्च में वेट कर रहा हूँ। 9 बजे ये लोग आगे बता रहे हैं कि बस मिलेगी, तो 2 घंटे का मेरे को यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद आगे की जयपुर के लिए मेरे को बस दूसरी मिलने वाली है। तो चलिए आप एंजॉय करिए मेरे साथ में। Thank you.
इस बस के पूरे सफ़र की बात करें तो ये शिमला से 10:30 बजे चलती है और दिल्ली 7 बजे के करीब पहुंच जाती है मॉर्निंग में, और वहां से जयपुर के लिए 9 बजे दूसरी बस चलती है जो तकरीबन जयपुर 3:30 बजे के करीब पहुंचा देती है। काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है, तो यदि स्लीपर हो तो और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन दिल्ली तक स्लीपर नहीं है और दिल्ली से आगे जयपुर वाली स्लीपर थी और उसमें नीचे 8 सीटिंग अरेंजमेंट भी था, 8 सीटें थी सीटिंग के लिए। तो वैसे तो मुझे सीटिंग ही मिली क्योंकि पीछे से मेरी सीटिंग ही बुकिंग थी, लेकिन इसमें स्लीपर भी थी। बहुत ही शानदार व्यू के साथ में ये सफ़र पूरा हो रहा है और अभी हम राजस्थान में इंटर हो गए हैं, तो आगे ये एक खाने का, चाय का या एक ब्रेक जो है और लेने वाली है तकरीबन 1.5-2 घंटे का। सफ़र अच्छा है और इंजॉय भी कर रहे हैं और लैंडस्केप बहुत ही अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं पूरे सफ़र में, क्योंकि शिमला से चलती है तो वहाँ अंधेरा हो जाता है, लेकिन उसके बाद में हरियाणा में कहीं ना कहीं होते हैं तो उजाला हो जाता है और वहाँ से जयपुर तक बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे हमें पूरे सफ़र में देखने को मिलते हैं और एक अच्छा इन्जॉयमेंट के साथ ये पूरा सफ़र पूरा होता है। दोस्तों, ये हमारी बस है जो हमें दिल्ली से जयपुर लेके जा रही है और दिल्ली तक, शिमला से दिल्ली तक जो आई थी वो दिल्ली में ही रह गई, तो इस बस में हम आगे चल रहे हैं। अभी हम रुके हैं यहाँ पर, एक ब्रेक लिया है 1.5 घंटा का और खाना वाना खाया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इंजॉय करें वीडियो। दोस्तों, इस सफ़र में हम तकरीबन जयपुर के नज़दीक पहुंच गए हैं और ये आप देखें तो यहाँ पर निम्स भी आ गया है, तो बिल्कुल जयपुर हम इंटर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सफ़र ये चल रहा है हमारा। अभी हम जयपुर में एंट्री कर गए हैं और ये आप देखेंगे तो सामने से सूरज पोल से जो रास्ता आ रहा है उस रास्ते के सामने से हम क्रॉस कर रहे हैं और आगे ये ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए नीचे गुरुद्वारे के पास से और पिंक स्क्वायर मॉल के पास से आगे हमें लेके जा रही है। ये त्रिमूर्ति सर्किल को क्रॉस करते हुए, जिसे पुलिस शहीद स्मारक भी कहते हैं, और आगे नारायण सिंह सर्किल पे हम उतर जाते हैं और यहाँ तक ये हमारा सफ़र पूरा हुआ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा देखा जो हम शिमला से और जयपुर तक का जो सफ़र किया, तो होप आपने इन्जॉय किया होगा। आपका कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ और नई सीरीज भी अभी शुरू होने वाली है, तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे और आप इन्जॉय करते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।